मैं जा रहा हूँ कुछ ठंडा खाने, जैसे कि खरबूजा। इसमें तो काफी खर्चा होगा। क्या तुम्हें कोई ट्रीट देने वाला है? बस मेरा कमाल देखते जाओ दोस्तों। क्या तुमने एक और यूएफओ देखा? अरे आओ आओ बैठो, पूरी बात बताओ मुझे। उस वक्त, हाँ मैं बताता हूँ, 8:30 बजे होंगे, उसमें कई तरह की लाइट्स भी जल रही थी। तुम तो कमाल हो सुनियो। क्या तुमने सच में यूएफओ देखा? नोबिता तुम भी कैसी बात करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इस तरह की बातें सुनने के बाद वो मुझे हमेशा कोई नई चीज खिलाते हैं, बस यही बात है। तो ये बात है, लगता है मुझे भी ये पैतरा आजमाना चाहिए। जो सुनियो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। तुमने सही कहा, ये बहुत गलत है। तुम भी ऐसा सोचते हो ना डोरेमोन? तुमने ये बात मुझे आज से पहले क्यों नहीं बताई नोबिता? क्यों? चलो चलकर फोटो लेते हैं। सुनो डोरेमोन, तुम यूएफओ की नकली फोटो मत लो। नकली फोटो? तुम्हारा मतलब क्या है? हम असली फोटो लेंगे। क्या तुम एलियंस को जानते हो? तो फिर मुझे ये बताओ वो कहाँ से आते हैं? मुझे नहीं पता, पर शायद हम इस बात का पता लगा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है डोरेमोन? अरे छोड़ो ना, हम अपना यूएफओ बनाएंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है सब नकली होगा? बिल्कुल नकली नहीं होगा, हम उसे मार्स के लोगों से ही बनवाएंगे। सच में डोरेमोन, तुम्हें लगता है वो लोग हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल, करनी तो चाहिए। तो जल्दी बोलो ना। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, ये देखो। मार्स पर हवा और पानी बहुत कम है, लेकिन पोलर कैप के पास काई उगती है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? बोलो नोबिता, अब मैं एक गैजेट निकालने वाला हूँ। एवोल्यूशन डेवोल्यूशन रेगन। अगर हम एवोल्यूशन स्पीड डायल को घुमा दें, तो एवोल्यूशन के 1 अरब साल 10 दिन के बराबर हो जाएंगे और काई मार्स पर उग जाएगी। हम एवोल्यूशन के बदलावों को मॉनिटर पर देखकर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से यूएफओ बना सकते हैं नोबिता। हम इसे इस रॉकेट से मार्स पर भेजेंगे। तुम कितनी देर तक अपना मुंह खोलकर खड़े रहोगे? रॉकेट लाइट की स्पीड से जा रहा है, इसलिए वो जल्दी वहाँ पहुँच जाएगा। ये देखो, वो बस पहुँचने ही वाला है। वो लैंड करने वाला है। ये जगह तो रिवर्स थ्रस्ट। अरे वाह, सब कुछ ठीक से हो गया। अब हमें इंतजार करना होगा, 10 दिन के बाद एक यूएफओ आएगा। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ जियान। ये कैसा दिखता है? हाँ? तुम देखना चाहते हो? ये तो कितना अजीब सा दिखता है। तुम्हें ये लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं? ये काई है। देखो, इसमें तो हलचल हो रही है। वो क्या है ना, दरअसल ये काई बढ़ रही है। इस वक्त ये बस सूरज और हवा के असर से बढ़ रही है नोबिता। ये तो कमाल का है। अब तुम क्या करने वाली हो? सोच रहा हूँ रॉकेट की गर्म हवा से इसे सुखा दूँ। कैसा आइडिया है? वो खराब हो जाएगा। वो खराब तो हो जाएगा, लेकिन वो पानी ढूंढने निकल जाएगा और इससे पक्का एक नई नस्ल पैदा होगी। वो मार्स वाली काई की पूर्वज बनेगी। नोबिता, और इस तरह काई हर जगह फैलती जाएगी। ये है वो जगह जहाँ मैंने गर्म हवा फेंकी थी। यहाँ तो कुछ नहीं है, सब सूख गया क्या? देखो, शायद वहाँ पर कुछ हलचल हो रही है। चलो पास से देखते हैं। ये देखो, एक मशरूम जैसा जीव, वो भी मार्स पर। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मार्स पर ऐसा कुछ होगा। ये देखने में कितने ज्यादा प्यारे है ना। ये जल्दी वो उड़न दस्तियाँ बनाकर धरती पर आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। उन्होंने गांव जैसी बस्तियाँ बना ली हैं। हाँ, ये कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, है ना नोबिता? क्या सच में? अच्छा ठीक है, अगली बार मैं और अच्छी फोटो लूँगा। ये तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। हाँ, और
बढ़ भी गए हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तुम कितनी देर तक देखोगे? बस थोड़ा सा और। उस खिड़की पर तो देखो, वो दोनों तो बाप बेटे जैसे लग रहे हैं। अरे देखिए डैड, इशारा कर रहे हैं। पता नहीं वो दोनों क्या कह रहे हैं। मुझे एक माइक्रोफोन लगा देना चाहिए था। नोबिता डोरेमोन, चलो जल्दी से सो जाओ। ओके। सुनो, बहुत रात हो गई है, चलो अब जाकर सो जाओ। ठीक है। डैड वो लोग कौन है बताइए ना। बेटा वो सब लोग धरती के लोग हैं। और वो मार्स पर हमला करेंगे, ऐसा मैंने किताब में पढ़ा था डैड। चिंता मत करो, वो सब एक कहानी थी, इंसान तो बस धरती पर ही रहते हैं। एक दिन मैं भी स्पेस रॉकेट बनाऊंगा डैड, और उसमें बैठ के मैं धरती को देखने जाऊंगा। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है वो दिन जल्दी ही आएगा बेटा। चलो अब तुम सो जाओ। मैं आ गया। यूएफओ की क्या खबर है? उसने अभी तक उड़ान नहीं भरी है। हाँ, 10 साल तो हो चुके हैं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास एक आइडिया है, चलो नीचे जाकर टीवी देखते हैं डोरेमोन, चलो ना। अच्छा आइडिया है, चलो चलो। मजा आएगा। इंसानी इतिहास में कदमों के नए निशानों को पीछे छोड़ दिया जाएगा। ये गजब का यादगार पल धीरे धीरे पास आ रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ, कामयाब होकर लौटना। प्लीज गौर कीजिए, पृथ्वी पर जाने की ये अद्भुत यात्रा शुरू हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्या ये अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे, क्या ये जो चाहते हैं वो ये कर पाएंगे। मैं धरती के पास पहुंच रहा हूं, मैं एटमॉस्फेयर में दाखिल होने वाला हूं। ये कितना बड़ा शहर है, यहाँ कितनी बड़ी इमारतें हैं, और साथ ही कितना शोर भी है। ये जगह तो बहुत अजीब है। कितना प्रदूषण है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ के रहने वालों को देखता हूँ। वो एलियंस बहुत बुरे हैं। बचा लेंगे पृथ्वी को, करेंगे पृथ्वी को बचाने के लिए। मैं इस जगह पर नहीं रह सकता, घर जाकर सबको ये बात बताता हूँ, सब ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। देखो यूएफओ, हमने क्या बात है जियान, मजा आ गया, हमने कर दिखाया, हमने फोटो ले ली। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं। मैं तो एक दिन भी ऐसी जगह पर नहीं रह सकता, और ना ही मेरे घर वाले। हम लोग जैसे भी हैं, इन लोगों से बहुत बेहतर हैं। कि वो आएंगे डोरेमोन। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमारा यकीन करो, ये फोटो असली यूएफओ की है अंकल। तुम लोग मुझे फिर से बुद्धू नहीं बना सकते, हमने सच में यूएफओ देखा है। हमारा यकीन कीजिए प्लीज। अरे अभी लड़ रहे हैं, पता नहीं इनका क्या होगा।